हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद काशनी में। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी ज्वार उपमा। ये बहुत ही हेल्दी और वेट लूज करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में जो ये बेल का आइकन है उसे दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छे लगें तो थम्स अप दें। सबसे पहले उपमा बनाने के लिए हमें ज्वार चाहिए होगा, तो यहाँ मैं एक छोटी कटोरी ज्वार मेजर कर रही हूँ। ये कुछ इस तरह का दिखता है। ये हमें मार्केट में काफ़ी इजीली मिल जाता है। एक कटोरी ज्वार को मैंने रात भर भिगा कर रख लिया था। भीग जाने पर ये कुछ इस तरह का दिखेगा। फिर इसे छान कर एक छन्नी में निकाल लें। अब इस प्रेशर कुकर में इस भीगी हुई ज्वार को डाल लेना है। साथ ही ज्वार से थोड़ा ऊपर इसमें पानी डाल लें और आधा चम्मच नमक। अब प्रेशर कुकर को बंद करके इसे पका लेंगे। कुकर की हमें मीडियम फ्लेम पर 5 सीटी ले लेनी है, या फिर जब तक के ये ज्वार अच्छे से पक ना जाए। प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है, इसे हम खोलकर चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं ज्वार के दाने एकदम फूल चुके हैं। इसे आप इस तरह से प्रेस करके चेक कर लें तो यहाँ पर ये परफेक्टली कुक हो गए हैं। अब उपमा बनाने के लिए कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच तेल गरम करें। फिर इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 5 से 6 कढ़ी पत्ता, थोड़ी सी हींग और 1 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। इन सब को 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेना है। प्याज के हल्का भुन जाने पर इसमें 1/4 कप उबले हुए कॉर्न ऐड करें। साथ ही कुछ मसाले जैसे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, इन सब को मिक्स कर लें। आप इस ज्वार के उपमे में अपनी पसंद की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। फिर जो हमने ज्वार को उबाल कर रखा था उसे ऐड करना है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखें। यहाँ पर मैं 1/2 नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। इससे उपमा और भी टेस्टी लगता है। ज्वार का उपमा बनकर तैयार है। अब लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ज्वार का उपमा बनकर तैयार है। आप भी इसे अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। ये फाइबर और प्रोटीन से भरा ज्वार का उपमा सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।